नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया न्यूज़। विश्व क्रिकेट के लिए बुधवार यानी आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच 116 दिन के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ की टीमें साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले के लिए आज मैदान पर उतरने वाली हैं। बता दें कि आखिरी इंटरनेशनल मैच 13 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। कोरोना वायरस की वजह से बदले नियमों के बीच यह दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए एक नई शुरुआत की तरह होगा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि दर्शकों की कमी मैदान पर खलेगी, क्योंकि सभी खिलाड़ी जानते हैं कि वह देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह सिर्फ जीतना चाहेंगे। स्टोक्स ने कहा कि अगर आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप देश के लिए खेलना चाहते हो, तो आपको इससे ज़्यादा गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती। जहाँ तक दर्शकों की बात है, तो हमें मालूम है कि सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, दुनिया भर से लोग देख रहे होंगे। हम मैदान में जाएंगे और अपने देश के लिए खेलेंगे, यह नहीं सोचेंगे कि स्टैंड में कोई नहीं है। नियमित कप्तान जो रूट की जगह कप्तानी संभाल रहे स्टोक्स को कोरोना की वजह से बदले नियमों की ज़्यादा चिंता नहीं है। स्टोक्स ने कहा कि टीम लगभग 2 सप्ताह से बदले नियमों में तैयारी कर रही थी। हम नियम का सम्मान करते हैं, भले ही यह थोड़े अलग हों, हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। हालांकि यह दोनों ही टीमों के लिए मुश्किल होगा। इस बीच स्टोक्स ने उस खास मैसेज के बारे में बताया जो उन्हें रूट से मिला। स्टोक्स ने कहा कि जब हम अपने ब्लेजर में सोमवार को तस्वीरें खिंचा रहे थे, तब मुझे रूट का मैसेज मिला। उन्होंने लिखा कि अपने तरीके से शानदार करके दिखाओ। स्टोक्स ने कहा कि जो रूट यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी सलाह नहीं ले सकता हूँ। मैं हमेशा खिलाड़ियों से सलाह लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जैसे ही टेस्ट मैच शुरू होगा, वह टीवी पर होंगे और वह किसी भी वक्त मेरा फ़ोन उठाने को तैयार होंगे। तो आइए अब जानते हैं इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल। इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज़ का पहला टेस्ट मैच 8 से 12 जुलाई साउथहैम्पटन के मैदान पर होगा। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 16 से 20 जुलाई मैनचेस्टर में और तीसरा टेस्ट मैच 24 से 28 जुलाई भी मैनचेस्टर में होगा। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे खेले जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।